मेरी पहली वीडियोस में भी काफ़ी कमेंट्स आए और व्यूज़ आए हैं जो कि आप देख ही सकते हो। तो कभी मैंने कभी मैंने फुकरी नहीं मारी, कभी मैंने घमंड नहीं किया। घमंड क्यों करूं मैं, क्यों करूं घमंड मैं? नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई एम अमनदीप विद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो फाइनली मैंने गेमिंग लैपटॉप खरीद लिया है। दोस्तों आपने सही सुना कि मैंने गेमिंग लैपटॉप खरीद लिया है। आप देख ही सकते हो जी, ये गेमिंग लैपटॉप, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आखिरकार मेरा सपना पूरा होकर मेरे पास आ गया गेमिंग लैपटॉप। तो दोस्तों, इसका क्या फीचर है, क्या प्राइस है, मैंने कहाँ से खरीदा, मैं सब कुछ बता दूंगा, आप बस पूरी वीडियो देखते रहना। तो दोस्तों, आई एम वेरी एक्साइटेड, तो ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है। तो लास्ट में एक गेम भी खेलेंगे, पहले तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस लैपटॉप का नाम है HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप, जो आता है AMD Ryzen 5 में 5600H, और 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 GB का ग्राफिक कार्ड है इसमें, तभी तो गेमिंग लैपटॉप है भाई। ये आता है विंडो 10 में, तो आप अपडेट करके विंडो 11 कर सकते हो, जो मैंने किया है। तो ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA GeForce GTX का 1650, लेटेस्ट है भाई, स्ट्रॉन्ग। 15.6 इंच की स्क्रीन है जो शेडो ब्लैक में आता है, और तो आप देख ही सकते हो कि कीबोर्ड से लाइट आती है, वो है वायलेट कलर की, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है दिखने में। टच पैड है, बटन जाए क्लिक करने के लिए, और इसका वेट अप्रोक्स 2 kg तक का है, 2 kg। तो साहब, मैं बताता हूँ कि मैंने राइजन 5 क्यों लिया और इंटर i5 प्रोसेसर क्यों नहीं लिया। मेरे हिसाब से मुझे राइजन 5 अच्छा लगा क्योंकि वो इंटर i5 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। लिटिल बिट ज़्यादा नहीं बोल सकते, और लिटिल बिट अगर आप कोडिंग की बात करते हो और गेमिंग की बात करते हो तो राइजन 5 स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, और अपनी मर्जी है कि राइजन खरीदो या i5 खरीदो। तो मैंने राइजन खरीदा, अब राइजन 7 भी खरीदते हो, बट वो थोड़ा बजट के बाहर था। और आप इस लैपटॉप में HDD भी खरीद सकते हो, हार्ड डिस्क भी खरीद सकते हो, बस वो थोड़ा पुराना हो गया, स्पीड नहीं देगा, SSD काफ़ी स्पीड देगा। और वो नहीं, आप हाइब्रिड भी खरीद सकते हो, जो कि 256 SSD आएगी और 1 TB की हार्ड डिस्क आएगी। तो वो भी नहीं खरीदा मैंने, तो सीधा मैंने SSD खरीदा, ये मतलब एक्सपेंडेबल है और इसकी रैम भी एक्सपेंडेबल है, तो ओवरऑल ठीक है। तो अभी इसके आते हैं बैटरी बैकअप पर। अगर आप इन जनरल बात करोगे तो 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, अगर आप गेम खेले तो 3 से 4 घंटे तो लगा लो भाई, गेमिंग लैपटॉप है तो 3 से 4 घंटे ही देगा बस। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट है शूटिंग की, इसकी स्क्रीन, इसकी स्क्रीन है फुल HD और 144Hz की डिस्प्ले है इसकी, 200 144Hz की, और इसका कैमरा 720 पिक्सल का है, मतलब यूजेबल है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, i5 पर यूजेबल है, काम चलेगा। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं इसका कैमरा यूजेबल है, ठीक है, मतलब अच्छा है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों अब आते हैं इसके प्राइस पर। इसकी MRP है 76021 और जिस सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और मैंने खरीदा है 59990। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है HP। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, अमेजोन में भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। बस थोड़ा प्राइस का ऊपर नीचे होगा। अगर आप खरीदना चाहते हो i5 प्रोसेसर में तो राइजन 5 से ऊपर ही होगा इसका प्राइस। अब आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, मतलब जो स्पीकर है और जो कट्स हैं, स्क्रीन काफ़ी अच्छी लग रही है इसके कारण। और इसकी बॉडी जो है वो हार्ड प्लास्टिक है, मतलब ओवरऑल ठीक लगा मुझे। नीचे फैन है, देख सकते हो आप, और लोगो बना है वॉयलेट कलर में, HP लिखा है। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से लाइट आती है वायलेट कलर की। तो दोस्तों अभी इसमें खेलते हैं गेम। भाई गेमिंग लैपटॉप लिए तो गेम तो खेलनी चाहिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीन देख ही ली होगी कि 144Hz की रिफ्रेश रेट है इसका। तो दोस्तों स्क्रीन काफी अच्छी है और परफॉर्मेंस काफी बेटर है। तो जो गेम खेली इसका नाम था एसफॉल्ट, तो दूसरी भी खेल सकते हैं नीड फॉर स्पीड, कॉल ऑफ ड्यूटी, पर वो अभी मैंने डाउनलोड नहीं की तो मज़ा आया। तो दोस्तों अगर आप भी स्क्रीन हो मेरी तरह गेमिंग के और आपका बजट है 50 से 60,000 के बीच में, तो आपको कई वेरियंट मिल जाएंगे गेमिंग लैपटॉप के। दोस्तों जो आपको मैं लैपटॉप सजेस्ट करूँगा वो सारे गेमिंग लैपटॉप है जिसका ग्राफिक कार्ड 4GB तक का है। तो दोस्तों पहला आता है MSI ब्रेवो राइजन 5 हेक्सा कोर 5300H का, तो 8GB ऑफ रैम है, 512GB की SSD है, और ये आपको अप्रोक्स मिलेगा 58990 में। काफ़ी अच्छा है ये लैपटॉप, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो। और दूसरा आता है Acer Aspire 7 कोर i5 10 जनरेशन, जो कि 8GB ऑफ रैम है, 512GB की SSD है, विंडो 10 के साथ आता है, 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड है, जो आपको पड़ेगा 5990 में। ये भी काफ़ी अच्छा है लैपटॉप है। और दोस्तों तीसरा है MSI GF63 थिन एक्सा कोर i5 10 जनरेशन, 8GB की रैम है, 1 TB की HDD है, ये हाइब्रिड है दोस्तों, 256GB की SSD मिल रही है विंडो 10 के साथ, तो आपको ये पड़ेगा 56990 में। ये भी काफ़ी अच्छा है। और चौथा आता है MSI GF63 थिन कोर i5 10 जनरेशन, 8GB ऑफ रैम एंड 512GB की SSD विंडो 10 के साथ है, 4GB ग्राफिक कार्ड है। दोस्तों सारे गेमिंग लैपटॉप है जिसकी 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, ये आपको पड़ेगा 64990 में, जो थोड़ा बजट के बाहर है, बाकी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर के साथ आता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है Asus Vivo गेमिंग कोर i5 10 जनरेशन, 8GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 256GB की SSD है, हाइब्रिड है दोस्तों, विंडो 10 के साथ आता है, 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड है, दो आपको पड़ेगा 55990 में, लेकिन बजट है और ये भी स्ट्रॉन्ग मशीन है, आप इसे भी सजेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी टॉप के और बजट में आने वाले लैपटॉप दो है कि हाईली गेमिंग लैपटॉप है और आप इसमें कोडिंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, और एनी और बिजनेस वर्क जहाँ स्कूल वर्क जहाँ कॉलेज वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट भी जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो गेमिंग लैपटॉप तो आप देख ही सकते हो, ये गेमिंग लैपटॉप। तो दोस्तों अब तो गेमिंग लैपटॉप आ गया है, अब मैं रच के गेम खेलूंगा तो पड़ेगा कौन तेरा बाप। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा आपने फ्लाइंग बीस्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, इसमें काफ़ी व्यूज़ आए और काफ़ी कमेंट्स आए हैं। दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो नहीं थी जिसमें व्यूज़ और कमेंट्स आए हैं, मेरी पहली वीडियोस में भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं और व्यूज़ आए हैं जो कि आप देख ही सकते हो। तो कभी मैंने फूकरी नहीं मारी, कभी मैंने घमंड नहीं किया। घमंड क्यों करूँ मैं, क्यों करूँ घमंड मैं नहीं करता घमंड।